हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आपके पास कोई भी LIC की पॉलिसी है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कस्टमर पोर्टल में लॉगिन कैसे करते हैं। LIC ऑफ इंडिया के कस्टमर पोर्टल में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप अपने PC में क्रोम ब्राउजर ओपन करें और गूगल के सर्च बॉक्स में LIC टाइप करने के बाद सर्च करें। अब आपके सामने सबसे ऊपर ही www.licindia.in की वेबसाइट का लिंक शो होगा। आप इस पर क्लिक कर इस वेबसाइट को यहाँ से ओपन करें। अब आपके PC में कुछ इस तरह से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप इसमें लॉगिन करने के लिए सबसे ऊपर राइट साइड में देखेंगे तो आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से लिस्ट ओपन होगी। सबसे ऊपर आपको कस्टमर पोर्टल का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करें। अब कुछ इस तरह से आपके सामने LIC ऑफ इंडिया कस्टमर पोर्टल का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि LIC ऑफ इंडिया के कस्टमर पोर्टल में आप तभी लॉगिन कर सकते हैं जब आपके पास LIC ऑफ इंडिया का अकाउंट हो, और यदि आपके पास LIC ऑफ इंडिया का आपका अपना अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको LIC कस्टमर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना एक अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए आप नीचे यहाँ डोंट हैव एन अकाउंट के इस लिंक पर क्लिक करें। अब आपके सामने इस तरह से LIC का न्यू अकाउंट क्रिएट करने का पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पॉलिसी नंबर वाले ऑप्शन में अपना LIC पॉलिसी का नंबर टाइप करें। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट प्रीमियम की जगह पर बिना टैक्स के अपना इंस्टॉलमेंट प्रीमियम टाइप करें। नीचे डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन में आपकी LIC पॉलिसी में आपकी जो भी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ टाइप करें। यहाँ मोबाइल वाले ऑप्शन में अपना मोबाइल नंबर टाइप करें और इसके नीचे ईमेल वाले ऑप्शन में अपना एक वैलिड ईमेल एड्रेस टाइप करें। और यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, पासपोर्ट नंबर का और पैन नंबर का। आप चाहें तो इन दोनों को खाली छोड़ सकते हैं, परंतु इसके नीचे आपके सामने जेंडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट करें और इसके नीचे यहाँ पर टिक लगाने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर अपना LIC कस्टमर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद न्यू अकाउंट क्रिएट कर लें। LIC कस्टमर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारा ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। हमारे इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। अब यदि आपने LIC ऑफ इंडिया में अपना पहले ही अकाउंट बनाया हुआ है परंतु आप अपना LIC ऑफ इंडिया का यूजर आईडी या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ फॉरगेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड के इस लिंक पर क्लिक करें। अब अपने LIC ऑफ इंडिया के अकाउंट का न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए सबसे ऊपर यहाँ आप अपना यूजर आईडी टाइप करें। इसके नीचे आपके LIC ऑफ इंडिया में जो भी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है उसे डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन में टाइप करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा दिया गया है उस कैप्चा को इस कैप्चा की जगह पर टाइप करें और नीचे सबमिट पर क्लिक करें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक 6 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा। यदि आपको OTP रिसीव नहीं होता है तो 1 मिनट के बाद आप दोबारा से रिसेंड कर OTP मंगा सकते हैं और ये OTP 15 मिनट तक वैलिड होता है। अब आप ओके पर क्लिक करें और आपको जो भी OTP रिसीव हुआ है उस OTP को यहाँ एंटर OTP की जगह पर टाइप करें। इसके नीचे आपके सामने पासवर्ड क्रिएट करने के दो ऑप्शन है। पहला एंटर न्यू पासवर्ड का, आप LIC ऑफ इंडिया का अपना जो भी नया पासवर्ड क्रिएट करना चाहते उस पासवर्ड को एंटर न्यू पासवर्ड की जगह पर टाइप करें और इसके नीचे कंफर्म न्यू पासवर्ड वाले ऑप्शन में ऊपर आपने जो भी नया पासवर्ड क्रिएट किया उसी पासवर्ड को दोबारा से टाइप करें। अब जैसे ही आप नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका LIC ऑफ इंडिया का न्यू पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप अपना LIC ऑफ इंडिया का यूजर आईडी भी भूल चुके हैं तो यहाँ पर आपके सामने पासवर्ड के बराबर में यूजर आईडी का ऑप्शन दिया गया है, इस पर सिलेक्ट करें और नीचे पॉलिसी नंबर की जगह पर अपना LIC पॉलिसी का नंबर टाइप करें। इसके नीचे इंस्टॉलमेंट प्रीमियम की जगह पर बिना टैक्स के अपना इंस्टॉलमेंट प्रीमियम टाइप करें। इसके नीचे डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन में अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको जो भी कैप्चा लिखा हुआ दिखाई देता है उस कैप्चा को यहाँ कैप्चा वाले ऑप्शन में टाइप कर नीचे सबमिट पर क्लिक करने के बाद अपना LIC ऑफ इंडिया का यूजर आईडी भी आप पता कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने LIC ऑफ इंडिया का अपना न्यू अकाउंट भी क्रिएट कर लिया है, आपके पास आपका यूजर आईडी भी है और आपके पास आपका LIC कस्टमर पोर्टल का पासवर्ड भी है, बस आपको लॉगिन करना है। तो आप इस लॉगिन के पेज पर आ जाएं। यहाँ पर आपके सामने लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन है, पहला यूजर आईडी का, आप इस पर सिलेक्ट करें और यहाँ यूजर आईडी वाले ऑप्शन में अपना यूजर आईडी टाइप करें। नीचे पासवर्ड वाले ऑप्शन में अपना पासवर्ड टाइप करने के बाद नीचे लॉगिन पर क्लिक कर आप LIC कस्टमर पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। और आपके पास यहाँ पर लॉगिन करने का दूसरा ऑप्शन है OTP का, आप इस पर सिलेक्ट करें। नीचे मोबाइल वाले ऑप्शन में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टाइप करें। इसके नीचे डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन में आपके LIC में जो भी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को टाइप करने के बाद जैसे ही आप नीचे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP रिसीव होने के बाद यहां एंटर OTP वाले ऑप्शन में OTP टाइप करें और नीचे सबमिट पर क्लिक करें। अब आपकी PC की स्क्रीन पर इस तरह से अलर्ट का एक पॉपअप शो होगा, आप ओके पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि आप सक्सेसफुली LIC ऑफ इंडिया के कस्टमर पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं। अब LIC कस्टमर पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आप LIC के द्वारा दी गई सारी सर्विसेज का यूज कर सकते हैं और यहां पर सेल्फ पॉलिसीज पर क्लिक कर आप अपनी सारी LIC
की पॉलिसीज को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ LIC ऑफ इंडिया के कस्टमर पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा। LIC से रिलेटेड और ज्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी LIC की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें। यदि आपने चैनल पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।